से मैं काम पर नहीं जाऊंगी दादी। हाँ? क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगी? यशोदा माँ, कॉफी दोगी क्या मुझे? हाँ देती हूँ। शक्कर अच्छे से डालना कॉफी में, कम नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, डाल दूंगी। बेकार की किताबें क्यों पढ़ती हो, अच्छी किताबें पढ़ा करो। अच्छी किताब कहाँ मिलती है दादी अब? वहाँ पे तो पुरानी किताबें हैं। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो पढ़कर मैं सुना दूंगी, सुनोगी ना? ठीक है। पिताजी ने मुझे बताया था, आप जब सर्विस में थी तो आपने ही किताबें लिखी थी। ये वाली क्या? तो फिर ये तो जरूर होगी। ये लिखी है क्या आपने? ये होगी दादी। कौन सी किताब है? The Hunt Begins। तुम्हारे अंदर जली आग को थोड़ा बर्दाश्त करो, वो अपने घाव से अंदर ही अंदर तड़प रहा है। अपने अंदर के अंधेरे को खत्म कर दो, अपने मन की गंदगी को निकाल फेंको। तलवार की वार से बचकर तुम फूलों से जख्मी मत होना, समुंदर की लहरों से बचकर तुम अपने दुख दर्द के आंसुओं में मत डूब जाना। पल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया। निकलो। ले आओ, मैं पढ़ती हूँ। रहम बुरे लोगों के लिए नहीं, क्षमा मूर्खों के लिए नहीं। तुम प्रलय के लिए बनाए हुए हथियार हो। शिकारी की नजर में तुम एक बुखार जानवर हो। कसाई के हाथ का छुरा बनो, सीना चीरने वाला दहाड़ बनो, मृत्यु का साधन बनो। दुष्टों के लिए मौत ही आखिरी फैसला है। ये लीजिए दादी, पढ़ के सुनाइए। दादी, इस स्टोरी का नाम क्या है? इस तरह गली गली नाच के कब तक जिंदगी का गुजारा करेगी तू? मेरे साथ आ जा, तुझे रानी बना के रखूंगा। भाई हमें जाने दो। इससे पहले कि मेरा आदमी तुम सबको गाड़ी में डाल दे, तू मेरी बात मान जा। चल सबको अंदर कर। कितने आदमी हैं? 4 लोग हैं। ध्यान रखना, अगली बार ज्यादा लोग चाहिए। ये जी नमस्ते। 5 लोग हैं भाई। 1 2 3। अगली बार औरतें ज्यादा चाहिए। बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है, ये सिर्फ कहने की ही बात है। इस कलयुग में पापियों का ही भला होता है। भाई इसके पेट में बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है क्या? तुम तो मेरी माँ के पचले जाने वाले थे, यहाँ क्यों लाए हो? सुनो सुनो सुनो, तुम्हें गोद भराई रसम के लिए ले जा रहे हैं। जाओ भाई, इसको काम पे रख लो और मुझे कुछ मुझे पैसे दे दो, मैं जाऊँ। गाड़ी में बैठा चले। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे मजदूरी के काम पे मत भेजिए। ए बेवड़े, किसी को जबरदस्ती मजदूरी करवाना ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। तुझे अगर पैसे चाहिए तो पहले अपनी पत्नी को मना। तुम मानेगी कि नहीं? हम लोग कितने गिरे हुए लोग हैं, इंसानों का धंधा करते हो। वो गिरी साहब के अन्याय को रोकने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। अरे अरे, तुम मत गलत समझना, मैं तो अपने गाँव के मर्दों के बारे में बोल रही हूँ। तुम तो बाहर गांव से आए हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकती, तो मुझे गलत मत समझना। पता नहीं वो गिरी साहब को कौन मारेगा। 10 साल पहले बिल्डिंग के काम के लिए बोलकर लोगों से गलत काम करवाया उसने। उसकी नीयत ही गलत है। वो 2-4 गुंडे अपने पास रखता है और फिर 5 पैसे 10 पैसे के लिए इंसानों को खरीदकर उसे दूसरे किसी जगह पर बेच देता है, और इस तरह उसने बहुत सारे पैसे कमाए। आज वो ऐशो आराम से रहता है, यहाँ तक कि उसने कानून को भी खरीदा है, और अभी तक वो राजा बनकर आजादी से गलियों में इधर उधर घूमता फिरता रहता है। ए लिंगी, जाओ मेरी बहादुरी के ऊपर एक मस्त गाना गा। भाई हमें छोड़ दो, हम भगवान के बच्चे हैं और हमें इंसानों के बारे में इस तरह गाना नहीं गाना चाहिए। हमारी कुल देवी नाराज हो जाएगी। विनती करती हूँ भाई, हमें जाने दीजिए। मैं तुझे लात मारूंगा। माफ कर दे भाई। तुम्हारे नहीं, नहीं भाई, छोड़ दीजिए। मानेंगे कि नहीं? चल चल भाई, इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। आपके हाथ छोड़ती हूँ। माफ कर दो। एक बात सुनो, इस दुनिया में अपनी जान को हथेली पे रखकर दूसरे जान को पैदा करने की ताकत सिर्फ औरत में होती है। अगर औरत नहीं होती तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। तुम्हें पता ही होगा, ये जो तुम दुनिया में मर्द बन के घूम रहे हो उसकी वजह भी एक औरत है, और तुम अपनी ताकत इनको दिखाते हो। ये औरतें शांत रहती हैं इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं। कोई औरत अगर गंगा की तरह नाराज हो गई तो उसको रोकना शिव जी के लिए भी मुश्किल होता है। समझते हैं ये लोग मजदूरी पे भेजने वाले लोगों को। मारू नहीं तो क्या करूं? आप मारना ही चाहती है तो उस गिरी को मारिए मैडम, प्लीज मेरी बात मानिए मैडम। मैडम हम लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले इन सब लोगों को उसने मारा है मैडम, उसने मारा है। कौन हो तुम लोग? नाम क्या है तुम्हारा? कनक। ये कौन है? कौन है आदमी जो किसी से बात ही नहीं करता? भीड़ से आए बाहर हाथी के समान है ये। इसके अंदर पागलपन ज्यादा है और गुस्सा भी ज्यादा है। ये मेरे पिता है, वेदा। इसमें क्या है? ये किस लिए रखी हो? तुम्हें तकलीफ देने वालों को मारने के लिए? अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे जरा भी ना सोचो और हाथ में जो भी आए उसे उठाकर मार दो। चलिए पिताजी। कहाँ जाना है भाई? मुझे उस पीपल के पेड़ के पास छोड़ दो। आओ बैठो। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। लाइट चली गई है, आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अरे अरे सर, सामने पान की दुकान में आग लगी है सर। वहाँ क्या हुआ जाकर देख। ठीक है सर, ये चलो चलो। ए, तू कौन है, क्या चाहिए तुझे? लगता है तू गलत जगह आ गई। बोल ना, क्या चाहिए तुझे? तुझे मैं चाहिए हूँ, तू अकेली ही आई है। वेदा, कनक, मर गया ये। दोनों ने रुद्रा को मारा है, गांव में यही चर्चा चल रही है। बहुत बेरहमी से कत्ल किया है मैडम। किसने किया? लड़की। साथ में वो भी था। कौन था उसके साथ? वो दिखने में शेर की तरह था। आग बंद किया हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। उन दोनों ने इसको मारा। वेदा, कनक, आप इतना यकीन से कैसे कर सकती हैं मैडम? इस पत्थर को हथियार बनने से पहले मैं इससे परिचित हो चुकी हूँ। जरा भी मत सोचो, तुम हिम्मत करके जाओ। दोनों इस गांव से बाहर नहीं जाने चाहिए। इस गांव में तुम दोनों का काम हो गया। अगला शिरली, तुम लोग जा सकते हो। गिरजा मैडम, नमस्ते मैडम। रमा मैडम, गिरजा मैडम आई हैं। कौन? लॉयर गिरजा आज तक एक भी केस नहीं हारी है मैडम। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैंने हार के ही जीत हासिल की है। कुछ साल पहले तक मैं हार के ही परिवार चला रही थी। उसी का फल है कि आज जीत मेरे घर के बाहर इंतजार करती है। मैडम दरअसल बात ये है। ठीक है मैडम। अंदर लेटा हुआ आदमी क्या कह रहा है रमा? सारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। ये जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पुलिस क्या होती है मैं बताऊंगी। पुलिस स्टेशन में घुस के मारने वाले के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए रमा। जानती हूँ। आप उन्हें जानती हैं इसलिए यहाँ आई हैं, ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वेदा, he is my client. Sorry, he was my client. But now the hunt has begun. और अब उसे रोका नहीं जा सकता। शांति एक भ्रम है, हिंसा ही हकीकत है। और अब जो हो रहा है वो ईश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि इस वक्त इस युद्ध की जरूरत है। इसीलिए वक्त भी इस युद्ध का साथ दे रहा है। वेदा वो बिल्कुल नहीं डरता और माफ भी नहीं करता। अरे रुको रुको रुको, ये तो वीरा है ना? ये मंदिर की चाबी लेकर क्यों जा रहा है? चाबी तो पुजारी के पास होनी चाहिए, इसके पास कैसे आई? ए, ले चलो ले चलो। तारीफ करता हूँ। हम गांव वालों को तुम जैसा ही लीडर चाहिए। अब तुम ही बताओ हम लोग इसके साथ क्या करें? कुछ नहीं, इसका सर मुड़वा के मुँह काला करके गधे पर बैठा कर पूरा गांव घुमाना चाहिए। आप कैसी बात करते हो? इसकी मूंछ निकलवा के पूरे गांव में घुमाना चाहिए। यही नहीं इसके दोनों हाथ भी काट देना चाहिए। कमी ना कहीं का तो वो तू है जो गांव के आसपास चोरी करता रहा, अब पकड़ आया। ए, हाथ लगाता है क्या बे? क्या है? एक चोर को तो तुम पकड़ नहीं पाए और बे मतलब सारा इल्जाम गांव वालों पर लगा दिया। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। भाई ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, औरत हो बच्चा हो या बूढ़ा हो। ये लोगों के हाथ में पावर है इसलिए ये लोग कुछ ज्यादा ही उड़ते हैं। अगर मैं उस दिन गाँव में होता तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। चल माफी मांग, गाँव वालों से माफी मांग। माफी? और मैं? जो भी आदमी गलती करेगा उसे माफी मांगनी पड़ेगी। चल मांग। सर माफी मांग लीजिए, आप इनके बारे में नहीं जानते। जिंदा रहेंगे तो फिर देखेंगे। अच्छा ठीक है, माफ कर दे। ए, बेवकूफ समझता है क्या? हाथ जोड़ सर झुका माफी मांग। वो जैसा कह रहा कीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। निकल। अभी तुम्हारा टाइम अच्छा था, तुम बच गए। अपनी पत्नी से आरती उतारने के लिए बोला क्यों भाई? कहाँ जा रहे हो लेके? मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद कर दिया। शादी के दिन ही दूल्हे को पुलिस से पकड़वा दिया। शादी के दिन लोग बर्बाद हो जाओगे, सत्यानाश होगा तुम्हारा। मेरी पोती की जिंदगी को नरक बना दिया तुमने। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? गलती किया तो सजा भुगतेगा ही ना। तुमने एक लड़की की जिंदगी नरक बना दी है। इस औरत का श्राप हम लोगों को ले डूबेगा वेदा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होगी। तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। देखो। हाँ चुप रहा। अरे इतनी हिम्मत। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे मेरी बात सुनो, हम आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं। अगर हमारे गांव का लड़का ऐसा करेगा तो क्या करोगे तुम? बोलो। ऐसे लोगों की पत्नी विधवा बनती है, अगर उसकी शादी उस बीरा से हो जाती तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती। वेदा ये तो हमारे पक्ष में बात कर रहा है। वेदा क्या नहीं कर सकता, ये खेतों में भरपूर मेहनत करता है। हर साल 10 एकड़ जमीन में जासमन उगाता है, उसमें कितनी मेहनत लगती है उसकी चिंता नहीं करता। ये इंसान हीरे की तरह है और अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीता है। तुम्हारी लड़की भाग्यशाली है जो इससे उसकी शादी हुई। हाँ अरे रे, सारा गांव तुम्हारा जय जयकार कर रहा है और तुम वहाँ मूर्ति बने खड़े हो। कुछ बोलो, क्या मेरी बेटी का ख्याल रख पाओगे? हाँ ख्याल रखूंगा। अरे देखो ये अकला है। अरे पुष्पा तुझे अकला पति मिला है। वेदा मेरा तो मन कर रहा है कि इस बुढ़िया का कलेजा काट के रख दूं मैं। मेरे वेदा में क्या कमी है बता? वो क्या है कि जब थोड़ा सा गुस्सा होता है या डर जाता है तो थोड़ा तोतला हो जाता है। हाँ और ऐसी कोई कमी नहीं है वेदा में। हाँ बता दे। हो गया सो हो गया, वो हकला हो या गूंगा अब कुछ नहीं हो सकता। तुमको शादी स्वीकार है? मेरी फूटी किस्मत स्वीकार है। आप ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ समझे। हमारे गांव में आना होगा और हमारी परंपरा के अनुसार रीति रिवाज पूरी करके लड़की को ले जाना होगा। मेरा मेरा मेरी बहुत। क्या वेदा भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना आपने शादी कर ली। मैंने तो आपको बहुत ही होशियार समझा था, लेकिन आप भी वैसा ही निकले। चमचा क्यों उल्टा उल्टा बात कर रहा है? बात बता दे यार, मिठाई खाने में तो बड़ी स्वादिष्ट होती है, तो इसका मतलब क्या हम लोग हलवाई की नौकरी कर ले? एक दिन मिठाई की खुशबू सभी तुम्हें उल्टी होने लगेगी। अगर मिठाई इतनी अच्छी लग रही है तो खा लो खरीद के। मिठाई की दुकान में काम करना जरूरी है क्या? अरे कीड़े पड़े तेरे मुँह में। अरे तू कुछ नहीं बोला जा रहा है, मैं भी तेरे बारे में कुछ बोलूँ तो कैसा लगेगा? चाप मट्टू खाने के लिए कर दे। हाँ तो पैसे दो, मुझे क्या लेना देना, तुम खुद ही भुगतोगे। अरे रे 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 रे, मैं दामाद का स्वागत है। अरे कितनी भीड़ है, स्वागत है। वेदा हमारे आने का ये लोग इतना अच्छा स्वागत कर रहे हैं। क्या हो गया गांव का इतना प्यारा लड़का होकर और साथ में सिर्फ 2-4 लोग ही आ रहे हैं। ए काका हम 4 लोग ही पूरे गांव के बराबर हैं। ओ, अगर तुम चारों मर गए तो पूरा गांव मर जाएगा क्या? मैं और जिंदा रहना चाहती हूँ। मुझे डर लगेगा। ठीक है ये लोगों का इंतजार करते करते पेट में भूख के सारे कीड़े भी मर गए। चलो अब जल्दी करो, खाना खा लो आके। वेदा चलो यहाँ से। चलो ना। शंकरी क्यों? वेदा मुझे भरोसा नहीं है इन पर, कहीं जहर मिला दिया हो तो। अरे रे रे मुँह में कीड़े पड़े तुम्हारे। राम नाम के बजाय शैतानी दिमाग चला रही हो। घर आए मेहमानों को जहर देना हमारी परंपरा नहीं है। फिर भी मैं तुम पे भरोसा नहीं करूँगी। हाँ, गंदे दिमाग में सिर्फ गंदगी ही होती है। हमारे घर के लोग भी यही खाना खा रहे हैं जो तुम लोग खा रहे हो। क्या वो इंसान नहीं है? चुपचाप खाना खाओ। ठूस ना, बेकार में हमारा नाम क्यों खराब कर रही हो? खाओ ना चुपचाप। मैं नहीं खाऊंगी, भले ही मैं भूखी रह जाऊं, लेकिन इन लोगों पे भरोसा नहीं करूंगी। खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे? तू ठूस लेना। शंकरी मुझे बहुत डर लग रहा है। दूल्हे राजा आज सुहाग रात है, जाओ अब सुबह मिलेंगे। दूल्हे राजा हमने तुम्हें ये सब इसलिए खिलाया क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, लेकिन रात में अपना काम ठीक से करना समझ गए दामाद जी। अरे वाह, अब मेरा वेदा सुहाग रात मनाएगा। अब एक वीर सैनिक की तरह जाकर जंग जीत कर आओ बेटा। इसे लड़ाई के लिए भेज रही है? अरे बेवकूफ, ये कोई जंग से कम थोड़ी ना है। अपनी पत्नी पर प्यार निछावर करना होता है और ये काम बहुत बड़ा काम होता है, समझ गए? शंकरी डर लग रहा है मुझे। अपने डर पर काबू करना होगा वेदा। कैसे? अरे आसान है, पानी में कूदोगे तो ही तैरना सीखोगे। तुम क्या इसको युद्ध पे भेजने की तैयारी कर रही हो हमारे प्यारे मासूम वेदा को? लेकिन एक बात है, पत्नी के सामने जाकर तोतलाना मत। अपने पुरुषार्थ को कायम रखना, सीना चौड़ा करके जाओ। हाँ वीर पुरुष की तरह आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहाँ कहाँ है मेरी रानी? ओह यहाँ हो, अच्छा शर्मा रही हो? अरे क्या हुआ पुष्पा, ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? तुम किस गांव के राजा हो? हाँ तुम मुझे इस्तेमाल करके मुझसे खेलना चाहते हो मूर्ख। अरे बाप रे कातिल हो, कल तो एकदम गूंगी बनी बैठी थी, आज कौन सा भूत सवार हो गया? मैं तुम्हें आसानी से मिल गई तो तुम मेरे साथ सुहागरात मनाने आए हो क्या? पास में मत आना, वहीं खड़ी रहो, दूर दूर से बात करो मुझसे। क्या कर लोगे? हाँ जो कहना वहीं से कहो। तुम बहुत सुंदर हो क्या जो मैं तुम्हारे प्यार के धोखे में आकर तुमसे प्यार करने लगूंगी, ऐसा समझा है क्या? अरे ऐसा कब कहा था मैंने? तुम्हें नई जिंदगी दी है मैंने। तुमने मुझे जिंदगी दी है तो क्या मैं तुम्हारे पैर पकड़ के बैठ जाऊँ? पति परमेश्वर होता है। पूजा आ जाओ, तुम्हारी पूजा करती हूँ मैं। पास मत आना, वहीं खड़ी रहो। नहीं करती हूँ ना तुम्हारी पूजा, आ जाओ। क्यों डर गए क्या? मैं डरता नहीं, मैं वेदा हूँ। तो पसीना क्यों छूट रहा है? खिड़की बंद है ना इसलिए। तो क्या सुहागरात मनाने आए हो? नहीं। तो फिर मैं तो तुम्हें देखने आया था। देख लिया ना? हाँ। अब निकलो यहाँ से। वेदा, वेदा, वेदा इतनी जल्दी आ गया? अरे बहुत डरी हुई है वो, मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगी। भाभी रोई और तुझे पसीना आ रहा है, इसीलिए पसीना आ गया। और तू हिलाने लग गया। तू कितना बड़ा शूरवीर है वो सब मैंने खिड़की से देख लिया है। ये भी देख लिया? हाँ भाई हाँ, हमने भी देख लिया तुम्हारी वीरता को। तुम लोगों ने भी देखा? शंकरी, शंकरी वो लड़की नहीं है, भूत की अम्मा है, महिषासुर की बहन है। अगर मैं सावधान नहीं रहता तो गला कट जाता मेरा। मर्दों को ना इस तरह नहीं घबराना चाहिए। शांत हो जा, शांत हो जा। अरे कैसे शांत रहो? अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। हम लोग बोले तब जाकर पता चलेगा। क्या यार तुम लोग भी ऊपर वाले। जी क्या है? मैंने सुना रात तो पसीना छूट गया तुम्हारे। कैसी कटी रात? चलो चलते हैं। रुक, इतनी जल्दी कैसे पता चला? सुना रात को पसीने पसीने हो गए थे। ए चुप कर यार, कितने कमीने हो। शंकरी आ जाओ बेटी। वेदा भाभी आ रही है। चलो जरा इसके नखरे तो देखो, लोगों के सामने कितनी भोली बन रही है। बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके कष्ट उठा के हमारे घर को चला रही थी। अब इसका तुम ख्याल रखना। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे। ख्याल रखूंगा। अरे सकले से तेरी शादी हो ही गई। इस नौटंकी बाज बुढ़िया को तो मैं झेल नहीं पा रही, मन करे गला दबा दूं। अरे वाखला मेरी बेटी, जरा अंदर चलो। क्यों बेटा? अंदर चलो बताती हूँ। मैं कल से देख रही हूँ कि तुम सबके सामने हकला हकला बोल के मजाक उड़ाती हो। इसके बाद अगर मेरे पति का मजाक उड़ाया ना तो समझ लेना। तुम्हारा पति? हाँ वो मेरा पति है। मेरे से शादी करने के बाद वो हकला हो या टकला हो पर वही मेरा पति है। हम दोनों चार दीवारी के अंदर चाहे जितना लड़े, लेकिन हम पति पत्नी के बीच अगर कोई डांग अड़ाएगा तो मैं उसका सर काट कर फेंक दूंगी। चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। वेदा जो भी कहो, तेरी पत्नी ने उस बुढ़िया को बहुत अच्छा सबक सिखा दिया। प्यारे दामाद जी। दामाद जी मेरी पोती का अच्छे से ख्याल रखें। हाँ जरूर रखेंगे, जरूर रखेंगे। हाँ हाँ जल्दी चलो, जल्दी चलो नहीं तो बस निकल जाएगी। क्या वेदा भाई, लोगों की उंगलियां घी में रहती है, तुमने तो पूरा का पूरा डब्बा ही उठा लिया है। बड़े खिलाड़ी। बकवास मत कर। इतने सारे लोग बीच सड़क पे क्या कर रहे हैं? आओ आओ आओ। ये क्या वेदा, हमें से किसी को बताए बिना ही शादी कर ली? क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? वो अचानक ही शादी हो गई ना। भाई पहले आप सीट पे बैठ जाइए फिर बात कीजिए। ए तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बस से नीचे उतरो। ए सब लोग क्यों उतरेंगे? और भाभी को आराम से ले जाना, समझाना। ए तुम लोग को इनविटेशन देना पड़ेगा। चलो जल्दी उतरो गाड़ी में। क्या रखना है? अरे वेदा की शादी के तोहफे हैं, ऊपर की बना। मैं बनाऊं? ए वेदा का सामान छूट गया था इसलिए हम लोग लेकर आए हैं। पब्लिक बस को प्राइवेट टेंपो बना दिया इन लोगों ने। भाभी देखा ना हमारे भाई का कितना नाम है, आसपास के गांव वाले उससे मिलने आए हैं। हां भाभी। हाँ वो एकदम चांद सी खूबसूरत। तुम्हारी पत्नी बहुत ही सुंदर है, नजर न लगे उसे। तो मेरा वेदा भी कुछ कम है क्या? सबकी मदद करने वाला, प्यार निछावर करने वाला, बिल्कुल श्री रामचंद्र जी जैसे। तो क्या मैं तुम्हें सूर्पनखा दिख रही हूँ? वाह आपकी पुरानी वाली भी यहाँ है क्या वेदा भाई? चुप जाओ। मेरे जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर तुम इसको पसंद कर लिए, यही पसंद है तुम्हारी? ए तुझे काम नहीं है क्या? क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? सुनिए भाभी, बहुत से लोग आएंगे जाएंगे कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा आदमी है, उसके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं है। तुम इसे ले जाओ, मैं दूसरा ढूंढूंगी। अच्छा हम लोग चलते हैं। सुनो मेरा कैनल पे वेट करना, मैं वापस आऊंगा। भाई से लोग मिलने आएंगे, वहाँ बस खड़ी करना। अरे ये बस है कि सामान ले जाने वाला टेम्पो है। ये लिस्ट बना, मेरा मतलब है गाड़ी चला। अब रास्ते में कहीं पे भी मत रुकना, सीधा चलाते रहना। चलो अपना ध्यान रखना भाई, अच्छा चलाना। वेदा मैंने सब कोयता और कटारी छुपा के रख दी है। मेरी जो भाई आँख है ना आज भड़क रही है शंकरी, किसी और दिन करते हैं। तू मर्द नहीं है क्या? तो जाके दिखाना क्या अपनी वीरता। और उसने कुछ कर दिया तो तू उस पे हावी हो जाना। एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो ना। क्या मैं कबाब में हड्डी बनूं क्या? बस एक बात मान लो शंकरी, तुम दरवाजे के पास बैठो ना। मैं पहरेदार हूँ क्या? तू मैदान जंग में जा। इस जंग को प्यार से जीतना मर्द की शान है। और अगर इस जंग को प्यार से जीत लिया तो सारी जिंदगी वो तुझसे प्यार करेगी। अंदर कैसे जाएगा? सीना चौड़ा करके बड़े शान से जाना। जाता हूँ। मेरा वेदा जंग जीतने जा रहा है। जो भी होगा आज मैं देख लूंगा। शंकरी, मुझे और जीना है बेटा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। तू देख ले, शंकरी। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। शंकरी, मेरी बात तो सुनो। बाहर ही सोना पड़ेगा क्या? मेरा वेदा शादी करके आया है। मेरी बहू बहुत ही सुंदर है, सांवली और सलोनी है। मेरा वेदा शादी करके आया है। पुष्पा, रात को सब कुछ ठीक था ना? वेदा ने बहुत प्यार किया ना? अरे नहीं, मैं वो कहना चाह रही थी कि वो ये नई जगह पे नींद आने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, इसलिए। वेदा उठ जाना, वेदा उठ। ये देखने आई कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। नहीं, ये बात नहीं है बेटा। तुम्हारी पत्नी ना बहुत होशियार है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से गृहस्थी संभाल लेगी। क्यों वीरों के वीर, नींद अच्छी आई लग रहा है। भाभी, क्यों भाभी सफाई कर रही हो? अरे तेरी शादी हो गई है, तू यहाँ क्यों सो रहा है? तुझे परिवार बढ़ाना है कि नहीं? वो मुझे अपने पास आने ही नहीं देती है। सुबह में सूरजमुखी बन जाती है और रात होते ही नागफणी बन जाती है। क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्यार के फूल क्या आसमान से बरसेंगे? तू क्यों नहीं कुछ करता? मैं समझ गई वेदा। क्या समझ गई? हम लोग है ना एक हाथी को कैसे बांधते हैं? जंजीर से। तो भाभी को जंजीर से बांधेंगे क्या? एक बकवास मत, बेवकूफ। मैं इससे वो वाली जंजीर की बातें नहीं कर रही, मैं प्यार की जंजीर की बातें कह रही हूँ। मन से मन मिलेगा तो प्यार की बरसात होगी। पति जब पत्नी से हार जाता है ना तो उसे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा है क्या? जा रही है। ये कहानी एक गांव की है। चामुंडी देवी महिषासुर का वध करने के बाद अपने रुद्र रूप को शांत करने के लिए यहीं पर बैठ के तपस्या की। उस समय शिरली नाम की आदिवासी लड़की माताजी की सेवा करती थी। शिरली की भक्ति को देखकर और उसकी विनती को स्वीकार करके चामुंडी माता गांव में ही रह गई। उसके बाद से वो गांव शिरली के नाम से जाना जाने लगा। देवी की पूजा करने वाले पुजारी का नाम नंजप्पा है। जैसे शिरली गाँव के लोग देवी जी की पूजा करते हैं, वैसे ही मुखिया की भी इज्जत करते हैं। मुखिया की 8 साल की लड़की है जो दिमाग से कमजोर है। उस गांव में देवी की वजह से कोई चोरी और लूटमार नहीं कर सकता है। गांव और गांव के अगल बगल में कोई भी गलती हुई तो कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। अगर किसी ने भी गलती की तो बलि खम्बे में खड़ा करके कपूर जला के देवी से विनती करते हैं। मैं एक दिन का उपवास तुम्हारे लिए अर्पण करता हूँ। अगर इसकी गलती सही है तो ये जलता हुआ कपूर बुझ जाए। अगर ये कपूर पूरा जल गया तो इसने कोई भी गलती नहीं की है। ये आप सब लोगों के सामने साबित हो जाएगा। अगर कपूर पूरा जल गया तो समझो उसने कोई गलती नहीं की है और उसे छोड़ देते। और अगर कपूर आधे में बुझ गया तो खतरनाक सजा देते हैं, मौत की सजा। यहाँ पर किसी भी गलती की सजा माफ नहीं किया जाता है। अब हमारा शिकार शिरली गांव में देवी की पूजा करने वाला नंजप्पा है। भाग्या बिटिया, अगर बिल्ली को दूध दे दिया हो तो जाओ और जाकर सो जाओ। लो पी लो। हाँ, दूसरी बिल्ली। आ जाओ मेरे पास। भाग्या, भाग्या क्या है मालकिन? भाग्या कहाँ है? अभी तो अंदर गई है। वो तो अंदर नहीं आई। भाग्या है क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। वो बिल्ली के साथ अभी तो यहीं खेल रही थी। उधर जाकर देखो। हाँ देखता हूँ। भाग्या बिटिया, तुम कहाँ हो? भाग्या बेटी यहाँ आई थी क्या? नहीं तो यहाँ नहीं आई थी। भाग्या बेटी, भाग्या बेटी। अरे तो भाग्या बेटी की आवाज है। अरे तुम डरो मत, तुम यहाँ कौन है क्या? डरो मत, मैं हूँ ना। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। हाथ लगा, तुम्हारी भाग्या बेटी हाथ लगाता है। चलो बेटी, चलो सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, जल्दी आ जाओ। भागी बिटिया यहाँ है, यहाँ आ जाओ सब, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ? ये पुजारी हमारी भागी बिटिया को रस्सी से बांध रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं इस पापी को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे ऐसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। नहीं मालिक, आप नहीं जानते। देखो भागी बिटिया की हालत कैसी हो गई है। ये भागी बिटिया के ऊपर अपना हाथ फेर रहा था। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं देवी की पूजा करता हूँ, मैं इस छोटी सी बच्ची को हाथ कैसे लगा सकता हूँ? मैं नीच हूँ क्या? तुम चुप रहो। तुम क्या कर रहे थे? मैंने अपनी आंखों से देखा। आप फिक्र मत कीजिए, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं करते। हम आपको जानते हैं। पुजारी जी ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे भगवान जैसे हैं। अपना बकवास बंद करो माधवी, आखिर में ये झूठ क्यों बोलेगा? ये क्या कहना चाहता है सुनो तो सही। भाग्या के पैदा होते ही इसके माँ बाप से ज्यादा ख्याल रखा है। क्या तुम मैंने गलत किया है ये सोच के शक कर रहे हो? हमें आप पर कोई शक नहीं है, पर ये लड़की रात में आपके पास आई कैसे, हमें ये जानना है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पुजारी को बताना होगा कि ये कैसे आई यहाँ। मुझ पर शक करने का मतलब तुम लोग जानते हो देवी माता पर शक करना है। मैंने गलत किया है या नहीं इसका फैसला अभी चलकर कीजिए। चलिए हम ये सवाल देवी माँ से ही करेंगे। पुजारी जी इसका फैसला हम सुबह करेंगे। लड़की को लेकर सच्चाई बतानी ही होगी। सुनो, जो मुझ पर इसने इल्जाम लगाया है तो उस हिसाब से मैं देवी माता की पूजा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैंने कोई गलती की है तो उसकी सजा मुझे देवी माता देंगी। पूजा शुरू करो। हे देवी, मैं आपकी आज्ञा से आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सत्य की जीत हो और अन्याय का नाश। नंजप्पा ने इस लड़की के साथ अगर सच में गलत किया है तो माँ इसका अभी इसी वक्त न्याय करिए। जलाओ कपूर। इतने सालों से मैंने तेरी सच्चे मन से पूजा की और बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारे द्वारा दिया गया धोखा। तुम झूठी हो, तुम्हारी महिमा भी झूठी है। तुम माता की महिमा को झूठ बोल रहा है, बेईमान कहीं का। हम तो तुझे भगवान समझते थे, तू तो शैतान निकला। मरेगा। सब इसे पत्थर से मार के मार डालो। रुक जाओ मेरे पास। बस करो, इस पापी को देवी जी के सामने ही जला के राख कर दो। वेदा, कनक, मुझे माफ कर दो वेदा। अगर तुझे घर में मारेंगे तो वो कत्ल कहलाएगा, लेकिन जिन गांव वालों ने तुम्हें भगवान समझा उनके सामने पहले तुम्हारा राज खोलूंगा, उसके बाद इस देवी के सामने तेरी बलि चढ़ाऊंगा, फिर ये कत्ल नहीं कहलाएगा। संघा रमा मैडम, ये कत्ल नहीं है, ये तो यहाँ की एक प्रथा है। गलत करने वालों के लिए ये एक सजा है। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो दोनों आए कहाँ से थे। दो लोग थे। दो लोग देवी के सामने उन्होंने इसकी बलि चढ़ा दी। आप लोगों ने उन्हें रोका नहीं? हमारी हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखों का तेज देखकर लगा माता हमारे सामने ही है, और इसे मारने का आदेश माता ने ही दिया, और ये सब कुछ देवी की मर्जी से ही हुआ है। मैडम, इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो पता नहीं ये कितने लोगों को मारेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, अभी तो कई शिकार होने हैं। चल आजा जल्दी। सुकन्या, आखिर ये नई लड़की कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो जगह जगह उड़ने वाली तितली है। एक जगह ठहर कर जिंदगी बसर करना इसके बस का नहीं। चलोगी क्या? क्या दादा, देख के ही अपनी चाहत को पूरी करोगे क्या? शक्कर सूंघने से स्वाद का पता नहीं चलता। चलोगी क्या? शमशान जाना है क्या दादा? दादा दादा कौन है? हा? अच्छा बोलो छोकरे। तू अपनी कीमत बता। 50 रुपया। 50 रुपए तो बहुत होते हैं। पर मुझे नहीं खरीद सकते। नहीं चाहिए। हाँ तो जाओ ना, जाके गाय का ही दूध निकालते रहो। ये तो वाकई कमाल की है, इसके लिए इतने तो चलेगी। चला, मैं 50 रुपए देता हूँ। 100 रुपया दो। 100 रुपए? मुझे कोई 20 रुपए भी नहीं देता और ये 100 रुपए मांग रही है। 100 रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो रोका किसने है? जाओ ना। पहले तो 50 ही मांगे थे। हा? मेरा बदन मेरी मर्जी। ये गलत बात है। सही कहा, इसीलिए तो मैं सड़क पे हूँ। अगर मैं इतनी अच्छी होती तो शादी करके घर बसा ली होती। अरे जा ना रे बुढ़े, चल निकल। जा, मेरे 50 रुपए बचे। चल चल चल। जैसा तुमने मांगा 100 रुपए मैं देता हूँ। चलोगी क्या? नहीं चलूंगी। मुझे पहले से पता था। हम तुझे 50 रुपए और देंगे, हमारे साथ चलेगी? मैं नहीं चलूंगी। अरे ऐसा क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 मर्दों के साथ एक साथ नहीं सोने वाली हूँ। हाँ। तेरे को मालूम है मैं कौन हूँ? इस गांव के मुखिया का बेटा हूँ मैं। मुकुट ना पहनने वाला राजा हूँ मैं। तेरे जैसे महाराज मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मेरे सामने घुटने टेकते हैं, समझ गया? चल जा रे। अरे मैं क्या बोलूँ, मेरी बात सुनो। चल जा रे, निकल। चल रे, तू क्या खड़े खड़े देख रहा है? बाप को बोलना मैंने याद किया। मेरा बाप भी यहाँ आता था। प्रोसिक्यूटर गिरजा के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वीरा का दोष नहीं साबित कर पाए, क्योंकि लॉयर गुणशेखर जीनियस था सच को झूठ साबित करने में। गुणशेखर ने ये साबित कर दिया कि वेदा ने पुष्पा के लिए उसे फंसाया है। वकील ने ये भी कहा कि आपसी रंजिश की वजह से वेदा ने वीरा को शादी के दिन फंसाया। इस दलील को मद्देनजर रखते हुए वीरा को बाइज्जत बरी किया गया। इसमें इंस्पेक्टर का भी हाथ है। वेदा FIR लिखते वक्त उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो आसानी से छूट गया। अब तो खुश है ना? बेरा, मेरी बात सुन, अभी हम लोग कोर्ट में हैं। अरे पुष्पा, तुम्हें गजरा बहुत पसंद है क्या? तो अपने पति को बोल दो, वो लाकर तुम्हारे जूड़े में लगा देगा। ए पुष्पा, चल घर चल। मैं नहीं आऊंगी। मैं तेरा मामा हूँ। सिर्फ रिश्ता होने से कोई फायदा नहीं, जिम्मेदारी होना भी जरूरी है। और इस जिम्मेदारी का तुम्हें जरा भी एहसास होता तो तुम शादी के दिन चोरी ना करते। कानून ने मुझे रिहा किया है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। चल बाइक पे बैठ। मेरी माँ से तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारी बेटी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, लेकिन वादा निभाया क्या? अबे चल, तू मेरे साथ मंदिर में शादी करेंगे। एक लड़की जीवन में सिर्फ एक ही बार दुल्हन बनती है, और जब एक बार शादी हो गई तो उसका जीना या मरना उसके पति के घर ही होता है। और कान खोल कर सुन लो, अब मैं अपने पति का घर छोड़कर नहीं आऊंगी और अपने पति की बेइज्जती भी नहीं होने दूंगी। एक बात जान ले, हमेशा दुखी रहेगी तू, समझे ना? तुम और कितना श्राप दोगे पुष्पा? तुम दोबारा यहाँ मत आना, मेरा पति खतरनाक है। संकरी बीड़ी दो। इस वक्त कहाँ चली गई है? मेरे साथ नहीं रहना है कहीं ये सोचकर मायके तो नहीं चली गई। अब भला मैं उसे कैसे ढूंढूं? ए, कौन है उस जगह पर? मेरे खेत में आग क्यों जला रहे हो? अभी रुक, आता हूँ मैं। मुर्गी पक रही है, साथ में दारू। पुष्पा चोरी क्या क्या? आजा आजा मेरा प्यारा पति, तू तो सोना जैसा है, आजा। क्या पुष्पा, तुम बिना बताए यहाँ चली आई? इधर आ, बैठ यहाँ, बैठ यहाँ। पिएगा क्या? मैं नहीं पीऊंगा। मैं घर पे नहीं मिली तो तुम डर गए क्या? डर गया था मैं। तुम कौन हो? पागल हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ। ये तो मुझे पता है। तुम क्यों मेरी जिंदगी में आए? मेरा पति ऐसा होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरी शादी तो बचपन में ही वीर के साथ तय कर दी गई थी। ये बात अभी किस लिए कर रही हो पुष्पा? पियोगे क्या? नहीं पीऊंगा। पुष्पा मैंने तुझे इतना डांटा, सब कुछ बोला, लेकिन तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बोला? मैंने तुम्हें भूते बन के डराया और कोई से भी डराया, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला। अच्छा तुम मेरे पति हो, तुम्हें बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हें डराती हूँ। तुम्हें मुझे खींच के थप्पड़ भी मारना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं मारा मुझे। ये गलत है पुष्पा, औरत को ऐसे मारा नहीं जाता है, वो कोई मर्दानगी थोड़ी ना है। अरे अरे शांत रहो। तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुम अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि तुम्हें कभी मुझ पर गुस्सा नहीं आया। नहीं पुष्पा, तुम सच में खरा सोना हो। मैं खराब हूँ। छोड़ो ना ये सब पुष्पा। इधर आओ। मैं दारू पी के बकबक कर रही हूँ, ये समझ रहे हो क्या? नहीं पुष्पा, बहुत दिनों से मैं कुछ बताना चाहती थी। सुनो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे दिल वाले भी हो। तुम क्यों मेरा ख्याल रखते हो? क्यों मुझसे प्यार करते हो? तुम क्यों अपनी जान मुझ पे छिड़कते हो? तुम क्यों मुझे इतना चाहते हो? पुष्पा, पुष्पा, बिना पिए तो ये गुस्से में रहती है, लेकिन पी के बड़ा प्यार करती है। पता नहीं ऊपर वाला क्या कर रहा है। हाँ। क्या हुआ पुष्पा, क्या हुआ? हाँ बुला रही हो? अरे रे, अरे रे, लगता है अब इसका दिमाग ठीक से काम करने लगा। किसी को बुलाता हूँ। ए शंकरी, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। पाएंगे तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बच जाओगे? हाँ, तुम लोगों ने अपनी जान के डर की वजह से मजदूरों को छोड़ दिया। तुम्हारी छुपने की हिम्मत कैसे हुई? मयूर जंगल में आग की तरह आया और उसने सब जला दिया। उसकी एक दहाड़ से हमारे सारे आदमी भागने लगे। पता है ना गिरी के आदमी कैसे होने चाहिए। तुम किसी मामूली आदमी के यहाँ काम नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आया उसे वहीं खत्म कर दो। जब मैं किसी को बुलाता हूँ तो हर कोई कांप उठता है और सब अपने साथ झुका लेते हैं। तुम उन्हें क्या घूर रहे हो? हाँ क्या हुआ? तड़कती जंगल की आग। कौन है वो? ये लोग हमसे बचकर भाग गए थे। हमारे आदमी बहुत ही तकलीफ उठाकर इन लोगों को ढूंढ कर लाए हैं। मैंने इनको तुम्हारे हवाले किया, अब तुम मुझे पैसे दो। ये ले, हमारे लिए और लोग लाते हैं। अंदर चलो। ये गाड़ी सीधे बड़े साहब के पास जाएगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, याद रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कौन है वो? सर्वशक्तिमान शिव शंकर। सुनो, कौन है ये लोग? बैठ जाओ। अरे ओ बड़े भाई, इसको ध्यान से देखो। इसको तो कोई जहरीला सांप भी काटेगा ना तो वो खुद मर जाएगा। आप दोनों कुछ भी नहीं है इसके सामने, चुपचाप बैठिए। सुनाई नहीं दिया? बहना, तुम्हें बैठने के लिए बोला है उसने, नारियल काटने के लिए नहीं। चली चली, ए रानी चंडी, ए चली चली। That's right. नन्ही परी लाडली प्यारी बेटी लाडली, नन्ही परी लाडली, नन्ही परी लाडली। मुझे माफ कर दे वेदा। दादी आप रुक क्यों गई? उसके बाद क्या हुआ दादी? दादी दादी आप कहानी नहीं सुनाएंगी? उसके बाद क्या हुआ बताइए तो सही। कहानी सुनाइए ना दादी माँ। वेदा मेरी बात को मानो, तुम यहाँ से बाहर जाओ। वो लोग कहीं भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। पहले मेरी बेटी कनक को बाहर आने दो, बाकी उसके बाद देखेंगे। क्या पढ़ रही हो नीरा? कुछ नहीं दादी। मुझे दो किताब, लाओ मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। हुआ था? मैंने बाप बेटी को प्यार और स्नेह बांटते देखा, उनको गुस्से में लड़ते देखा, लेकिन मैंने आज तक बाप बेटी को लड़ते हुए नहीं देखा। जो भी उसके सामने लड़ने के लिए खड़ा हुआ, उसको एक के बाद एक काटा गया। उनकी आंखों में प्रतिशोध का ज्वाला था, वो मैं जीते जी भूल नहीं पाऊंगी। कौन है वो? मरने से पहले गिरी साहब ने कहा था। मुझे माफ कर दो वेदा। फरिश्ता बनकर आए, हमें बहुत मदद मिली। ये लीजिए। जरूरत नहीं है। भगवान आपका भला करे। रत्ना परी। हाँ, परी? मैं चलती हूँ। देखो बेटा, अगर सूरज ढलने से पहले हम लोग घर नहीं पहुँचे तो वेदा वहाँ हंगामा कर देगा। अरे रे, क्यों चिल्ला रही हो, यहीं तो है वो। ए पुष्पा, यहाँ आना था आ गए, अब तू यहीं रह। हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। जवान संभाल के बात कर, दूसरे की पत्नी के साथ ऐसी बात करता है, शर्म नहीं आती? ए वीरा, शादीशुदा लड़की से वो इस तरह बात करता है? ए पुष्पा, तू उसके साथ मजबूरी में जिंदगी जी रही है, मुझे सब कुछ पता है। मैं अपने पसंद की जिंदगी जी रही हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उसको अपने दिल में रख के उसकी पूजा करती हूँ। मेरे और मेरे पति के प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रहा है। सही में? हाँ पुष्पा, ये सच है क्या? ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बारे में सपने में भी मत सोचना, चल जाए यहाँ से। अरे शंकरी, वहाँ मेरी पत्नी दर्द से तड़प रही है और तू यहाँ पर है, जाकर देख उसे। अरे मैं नहीं देख सकती, देखूंगी तो मैं खुद मर जाऊंगी, मैं जीना चाहती हूँ। अरे तू हमेशा उसे डांटती क्यों है? मैं किसी के प्रसाव पीड़ा को देख नहीं सकती, मेरा सर चकराने लगता है, सांस फूलने लग जाती है, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं और जीना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की, क्योंकि ये प्रसाव पीड़ा मैं सह नहीं पाती। सच में? लेकिन ये बात किसी से कहना मत, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे। और मैं जीना चाहती हूँ, बहुत जीना चाहती हूँ, बहुत जीना। कुछ भी बोलती है। मैं मरना नहीं चाहती जल्दी। हे शंकरी, लड़का है या लड़की है? लड़की होगी। जैसे बचपन से मैंने तेरी देखभाल की है ना, तेरी बेटी भी तेरी वैसे ही देखभाल करेगी। हाँ, देख लेना, वो तेरे जीने का सहारा होगी। हाँ। जैसे मुझे तू सब बातें बताता है ना, तू अपनी बातें उसे बताना। मुझे भी यही लगता है शंकरी। शंकरी, शंकरी उठ ना। शंकरी, तू कहती थी ना मुझे लंबी जिंदगी जीनी है, मुझे लंबी जिंदगी जीनी है, फिर भी तूने मुझे छोड़ दिया। ये गलत है, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है। उठ जा शंकरी, उठ जा शंकरी। बेटी पैदा हुई है वेदा, बेवकूफ बना के जायदाद में हिस्सा ना देकर 5 एकड़ खेत अपने नाम करके अपनी बीवी बच्चों के साथ फार्म हाउस पर आराम की जिंदगी जी रहा है। उसकी पत्नी हमेशा गुस्से में रहती है और उसकी एक 8 साल की बेटी भी है जिसका नाम पूर्वी है। 4 साल पहले उसको कमर के नीचे लकवा मार गया, जिसके कारण उसके दोनों पैर काम नहीं करते और वो अपाहिज हो गया। वेदा, तुम उस कालियों को मत छोड़ना। जल्दी से चलो ना, वो बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। अरे यहाँ पर हो क्या? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं ना, तुम्हारी संपत्ति हड़पने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारे परिवार में अच्छे लोग भी हैं। योची हाली में तुम्हारे पूर्वजों का 5 एकड़ जमीन है, सुना है वो जमीन बिकने वाली है। बस शुक्रवार को जाकर वहाँ हमें इजाजत देनी है और हमें पैसे भी मिल जाएंगे। तुझसे किसने कहा? वो आदरणीय इंसान बाहरी है, आपके रिश्तेदार। कनक, वेदा, शर्माइए मत, पेट भर के खाना खाइए। आज के दुनिया में आप जैसे कहाँ मिलते हैं। आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं कि किसकी संपत्ति हड़प ली है वही सोचते रहते हैं, और एक आप लोग हमें ढूंढते हैं यहाँ। अरे पत्थर दीदी, पत्थर थैली में क्यों रखी हो? ए, जब कोई अच्छा करने के लिए निकलता है तो उसे इस तरह टोका नहीं करते। हो सकता है कि ये भाग्यशाली पत्थर हो, शायद इसी की वजह से ये लोग यहाँ पर पहुँच पाए हो। चलो अब इसे बैग के अंदर रख दो। आप दोनों रात को यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही आप लोग निकल जाइएगा। हाँ ठीक है। भारती, ये लोग कहाँ गए? अरे सुबह होते ही वो दोनों यहाँ से निकल गए। बिना कुछ किए ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। पूर्वी, पूर्वी, भारती अपनी बेटी कहाँ है? अरे वो बाहर खेल रही होगी। पूर्वी, पूर्वी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं देखती हूँ ना कहाँ पर है। पूर्वी कहाँ गई देखो? पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी। पूर्वी को देखा है क्या आपने? नहीं नहीं, मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा। सुनो जी, पूर्वी तो कहीं नहीं दिख रही है। भगवान, ये सब होगा ये मुझे पहले से ही पता था, पहले से ही मुझे पता था ये सब। क्या बोल रहे हो तुम? वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हमें और हमारी बेटी को भी मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे? क्यों मार डालेंगे हमें? क्या किया है हमने बताओ? क्या किया उनके साथ हमने बताओ? क्या गलती की है हमने? हाँ, तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की है, गलती तो मैंने की है, गलती तो मैंने की है। हाँ? पिताजी, पिताजी यहाँ देखिए, मैं अमरूद लाई हूँ। क्यों रो रही हो माँ? पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? कमर में दर्द हो रहा है क्या? माँ मुझे ये दीदी बहुत पसंद है, और जानते हैं ये चाचा जी भी बहुत अच्छे हैं। पिताजी दीदी से मैं बोल रही थी कि अभी तक पिताजी ने मुझे अपने पीठ पर नहीं घुमाया, तो उन्होंने ये सुनकर अपने पीठ पर बिठा लिया और खेत से घर तक ले आई, और मुझे बहुत मजा आया। ए जी, आपने सुना? हमारी बेटी उन्हें चाचा कह रही है। पिताजी, पिताजी क्या हुआ? पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? माँ पिताजी को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिताजी दरवाजा खोले। पिताजी, तुमने क्या बताओ हमें? वही है बाप बेटी। बाप बेटी मेहमान बनकर आए थे, उन्होंने किसी जायदाद में उसे हिस्सा देने की बात कही थी, और हमारे कालिया को अपने आप आग लगाने के लिए तैयार कर लिया, और जाने के पहले उस लड़की ने हमारे कालिया के सीने पर पत्थर रखा था। मैडम पत्थर रखा था। आखिर में तुम आ ही गए। लाओ अंदर, तुम अपना ठीक से ख्याल रखना। चलो रे साहब है, मैंने मना किया था कि आज किसी को ना भेजे, फिर भी भेज दिया। मेरा मन नहीं है, किसी और के पास चले जाओ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, निकलो यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? इतना बनौतिया आदमी है रे, जैसे पैर रखा लाइट भी चली गई। इस कंजर औरत ने मोमबत्ती भी कहाँ रखी है पता नहीं। बंदर कभी अपनी जिंदगी में गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। वेदा ने उसे जिस केस में पकड़ा था, छूटते ही बीरा फिर अपने रंग दिखाने लगा। कुछ लोग मेले में गए थे और इसने 4 घर लूट लिए। गाँव वाले कोर्ट गए थे और हमसे साथ चलने के लिए कह रहे थे। अगर हम गवाही देने चले जाते तो इससे फिर सजा हो जाती। अब क्या बोले? अरे ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है। जब तक लोगों की आत्मा पैसों से बिक रही है तब तक बीरा जैसे चोरों को सजा नहीं मिलेगी। ऊपर वाले का न्याय सबसे बड़ा होता है। ये दुनिया न्याय और धर्म से ही चल रही है। सुनो, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन हम खतरा क्यों बोल ले? अगर पड़ोस के घर में आग लगी और तुम सोचोगी कि हमें क्या, तो जल्दी ही तुम्हारा घर भी आग पकड़ लेगा। हाँ, तुमने सही कहा वेदा, उस चोर को सजा मिलनी ही चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? मिलनी चाहिए। ठीक है, कल सुबह सब लोग निकलेंगे। हम सब लोग बस से जाएंगे, क्यों मुखिया जी? सही कह रहा हूँ ना। काम धाम छोड़ के कुत्ते की दुम सीधी करना चाहते हो? वीरा तो वो है जो जलते हुए घर से चावल पकाता है। तुम उससे क्यों दुश्मनी लेना चाहते हो? देखा अपनी माँ को, अच्छे अच्छे गजरे की बात करनी चाहिए। वो सब छोड़कर ये उस वीरा की बेइज्जती करने में लगी है। उसकी औकात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका और मेरा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। तुम्हें उससे रिश्ता बना के रखना चाहते हो? कैसी बातें करती हो? अच्छा छोड़ो, नाराज मत हो। कल ही मैं वकील से इस मामले की बात करता हूँ, उसके बाद इस तरह की सारी बात बंद हो जाएगी। ठीक है? तुमसे बात करके मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरी क्या गलती है? अच्छा, आप कनक को लेके अंदर आओ। चलो बेटी। माँ, शादी के बाद पिताजी जब कमरे के अंदर आए थे तो आप उन्हें डराने के लिए अपने साथ कोयला लेकर आई थी। क्या बोल रहे हो? इतनी छोटी बच्ची को क्या फालतू बातें सिखा रहे हो? मैं क्यों सिखाऊंगा? मैं तो घर में छुपा छुपी खेल रहा हूँ। कोई दूसरा होता ना तो दूसरों के घर में जाके छुपा छुपी खेल रहा होता। आप तक दूसरों के घर में जाके छुपा छुपी खेलोगे ना? अगर कोयला उठा लिया ना तो सब पता चल जाएगा। कोयला छिपा दिया है, अब नहीं मिलने वाला। कोर्ट ने गुनहगार को पकड़ने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। योर ऑनर, वीरा को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? योर ऑनर, वीरा तड़ीपार हो गया। समन देने के लिए हवालदार उसके घर गया था, लेकिन वीरा घर पर नहीं मिला। ये झूठ बोल रहा है। सुनिए, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। ठीक है मैडम। नमस्ते। आपका नाम? वेदा। ओ, बोलिए। वो वीरा गांव में नए दूल्हे की तरह घूमते रहता है। ये आदमी उसे पकड़ नहीं पाया तो झूठ बोल रहा है। ये सब उस वीरा के लिए रिश्वत का कमाल है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। गवाह ना होने से ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। ओ भाई, ऐसे लोगों को ना हम छींची करके भगाते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। वेदा, आपसे मुद्दे की बात कीजिए। माफी चाहूंगा। अगर वीरा को पकड़ के लाया तो आप उसे सजा देंगी? बिल्कुल दूंगी। कानून की रक्षा से पुलिस की ही ड्यूटी नहीं है, बल्कि हम सभी को इसमें योगदान करना चाहिए। दोनों हाथों से ताली बजती है। ठीक है मैडम। कहाँ जाओगे? थाली पीटने। एक मिनट रुको, वीरा को लेके आता हूँ, यहीं रुकना। ये कोई गाँव की पंचायत नहीं, कोर्ट है। दिए हुए वक्त में गवाह को लाना होगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो। ज्यादा टेंशन लोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इनका ध्यान रखिएगा। उठ, उठ। ओ वकील, हाँ। ये सब क्या है? यही वेदा है, जो बोल दिया तो करेगा। साइलेंस। आप लोगों ने कोर्ट को क्या समझ रखा है? कोर्ट में हथियार लाना जुर्म है क्या? ये इन्हें नहीं पता? योर ऑनर, लेकिन आपने इन्हें क्यों मारा? मैडम, मैडम, ये लोगों ने मुझे इतना पीटा, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो मैडम। कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि बीरा का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जाए, जिससे वो जल्दी से ठीक हो सके, और वेदा को अपने अमानवीय व्यवहार के लिए 50 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट वेदा को 3 दिन जेल की सजा सुनाती है। चलो, चलिए। हवलदार, मेरा पति कहाँ है? दरवाजे पर खड़े रहकर चिल्लाना बंद करो और अंदर आओ। जब भगवान ही साथ ना दे तो कानून क्या कर लेगा? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। गांव में तुम ही एक हो जो सुधारने चले हो। वो तो ठीक है, मुझसे मिलने आई हो या लड़ने आई हो, मच्छी की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, देखे जाना। तुम बात को बदलो मत। तुमने कभी सोचा कि घर में एक छोटी बच्ची है, उसका क्या होगा? देखा तुमने बेटी, तुम्हारी माँ मुझ पे चिल्ला रही है। इसका रिश्तेदार तो बाहर आ गया ना, अब मेरा क्या होगा? अब और प्रवचन मत दो, समझ गए? तुम्हारे पिता की यही जगह है, यही रहने दो। चलो तुम मेरे साथ। अरे मछली तो दो। क्या वेदा भाई, तुम्हारी बीवी तो बिना आग लगाए चल रही है। अरे वो बहुत प्यार करती है मुझसे। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तू नहीं समझेगा, मैं मेले से साड़ी लाया था। जब मैं लेके आया तो उसने कहा कि ये पसंद नहीं है और उठाकर फेंक दिया था, लेकिन आज के दिन वही साड़ी पहन कर आई। अब पता चला। ऐसा क्या? अरे मेरी प्यारी बेटी, बटरफ्लाई पकड़ना सीख लिया, जानते हैं आप? बढ़िया, तुम बहुत ही समझदार बच्ची हो। वापस क्यों आई? पिताजी पिताजी कर रही हो। तुम्हें यहाँ समझाने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ बकबक कर रहे हो ना। घर पे तो आओ, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। तुम क्या हंस रहे हो? हाँ, पहले अपनी शक्ल ठीक करो। वैसे ये मेले वाली साड़ी आप पे बहुत जच रही है बहन। ये बात भी बता दिया साहब जी, अंदर की बात बाहर बोलता है ये आदमी, इसे क्या बोलूँ मैं। मैं तुमसे सिर्फ मिलने आई हूँ, ये मत समझना कि तुमसे प्यार करती हूँ। देखा मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ इस साड़ी में एकदम बटरफ्लाई लग रही है। बातें तो तुम खूब बना लेते हो। चलो बेटी, हम चलते हैं। पिताजी जल्दी वापस आना, वो आएंगे, तुम चलो। आऊंगा। पुष्पा, क्या है? तुम्हारी शक्ल फिर से देखना था। अंदर आ जाओ क्या? अरे आ जाओ ना। मेरी नजर लग गई। घर जाके पहले नजर उतारना। क्या भाई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बना के लाई लेकिन तुम्हें दिए बिना ही चली गई। अरे रुको, मैं उसको जानता हूँ। ये लो, मेरे पिताजी के कपड़े हैं ये। ठीक है। सुनिए साहब, अगर आपने एक भी निवाला खाया ना तो आपको जुलाब हो जाएगा। मैं नहीं खाऊंगा। सुनिए, उनको मछली का सालन बहुत पसंद है, बोलिएगा आराम से खाएं। मैं अपने हाथ से खिला दूंगा, ठीक है? अब तुम जाओ। हाँ सुनिए, और आप उनके लिए पानी रख दीजिएगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसे पानी पिला दूंगा। अब तुम जाओ ना। हे भगवान, और आप एक भी निवाला मत खाना। अरे तुम तो मेरे पेट में दर्द करके ही छोड़ोगी। हाँ, कुछ ज्यादा ही प्यार करती। मेरे पति का ख्याल रखना। ए रुको जरा, हम लोग माताजी के तीर्थ जा रहे हैं, तुम्हें नहीं आना है क्या? मेरा पति जेल में है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी, आप लोग जाओ। कनक को भेज दो ना, ये एक जगह नहीं रुकती है। अगर आप इसे लेके गए ना तो ये आप लोगों को बहुत तंग करेगी, आप लोग जाओ। अच्छा ठीक है पुष्पा, तो अपना ख्याल रखना। अब तुम कहाँ जा रही हो? बटरफ्लाई पकड़ने जा रही हूँ। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने सिखाया ना तुमको। जल्दी आ जाना, दूर मत जाना। ठीक है माँ। ये हालत किसने की तुम्हारी? तुमने कुछ गलत किया था क्या? मुझे किसी ने मारा नहीं है, मैं गिर गया था। क्या हुआ? ये कोई अच्छी औरत नहीं है मैडम, ये चुप रहे तो ही सही है। डॉक्टर, इसे क्या हुआ? इसे पेट में चाकू मारा गया है 2 बार, अब ये खतरे से बाहर है। कुछ नहीं मैडम, अपने ग्राहक के साथ झगड़ा किया होगा, थोड़ा ज्यादा पैसा मांगा होगा, दोनों का झगड़ा हुआ होगा और वो चाकू मार के भाग गया होगा। आपको क्या लगता है मैडम, जितनी भी औरतों का इसने घर उजाड़ा है वो इसको दुआ देती होगी क्या? उनकी बदबू तो लगेगी ना। क्या हुआ था? किसने किया ये? डरो मत। ये सिर्फ कल के हमले की बात नहीं है मैडम, ये सब कुछ शुरू हुआ था 8 साल पहले। इंतजार कर रहा था। देखो डार्ले, देखो मेहमान आ गए। आ गया हमारा मेहमान। ए, देख क्या रहा है? पानी डाल। अब इस लाश को यहाँ से उठा कर ले जा। अगर तूने पिछली बार की तरह इस लाश को फेंक दिया तो ये कुत्तों का खाना हो जाएगा। लेके जा इसे। ए, सुन केम्पा, लकड़ियाँ उठाकर लेकर आ मेरे पास। देखो हमारे 2 मेहमान आए हैं। इसे देखकर डर रहा है? ये मुझसे जबान लड़ा रहा था। मैंने एक बार मारा उसे और वो मर गया। तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को ऐसे नहीं मारूंगी। कुछ अलग सोचा है। तुम दोनों इन्हें ढूंढते हुए आए हो यहाँ। आखिर मेरे पति ने ऐसी क्या गलती कर दी है? मैं मानती हूँ एक जमाने में छोटी मोटी चोरियां और लूटपाट करता था। वैसे मेरे घर में भी चोरी करने आया था, पर मेरे दिल को चुरा कर मुझसे शादी कर ली। खैर छोड़ो इन पुरानी बातों को, अभी इसने सब कुछ छोड़ दिया है और हम इस राजमहल में राजा राजा रानी की तरह जी रहे हैं। सुनो वेदा, तुम्हारी कहानी क्या है बताओ। अभी और कितने मुर्दों का ढेर लगाओगे? अभी हम बिल्कुल खाली बैठे हैं। तुम अपनी दुखी कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी सुनकर जोर जोर से रोऊंगी। से मेरे पति की गलती क्या है? अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ मस्ती के लिए आया हूँ, पर तू यहाँ दारू और चिकन खिला रहा है। तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है वीरा? आज मैं मेरे दुश्मन वेदा को मेरे बदले जेल में भेज दिया, इसीलिए यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं, समझे तुम लोग? ये कालिया को मैंने एक लड़की लाने को बोला था, तुम लोग सबर रखो, आता ही होगा। ए वीरा, तुमने उस बेवकूफ को क्यों भेजा लड़की को लाने के लिए? ए, वो कोई बेवकूफ नहीं है, समझा ना? ए वीरा, मैं ऐसी वैसी चीज नहीं लाया, कमाल की चीज लाया हूँ। आओ जाने मन, बाहर आओ। कैसी लगी? अलकट कमीने कहीं के, तूने तो एक आदमी का बोला था, यहाँ तो चार चार आदमी बैठे हैं। तूने मुझे सोच क्या रखा है? हाँ, वही चिल्लाएगी कि इधर भी आएगी। तू जो भी पैसे मांगेगी मैं दे दूंगा, इधर आ। चाहे मुझे कितने भी हीरे जवाहरात से लाद क्यों ना दे, मैं चार चार आदमी के साथ सोने वाली औरत नहीं है। ए चमेली, धंधा करने वाली, तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है। चुपचाप इधर आ जाने तो हम लोग जबरदस्ती करेंगे। बकवास मत कर, इधर आ। साले कमीने कहीं के, मैं बलि का बकरा हूँ जो जबरदस्ती काटोगे? अगर वाकई तुम लोग मर्द हो और माँ के छाती का दूध पिया है तो मुझे आके छू कर दिखाओ। उससे जबान लड़ाएगी, अभी बताता हूँ तुझे। तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, मैं तुझे देख लूंगा, देख लूंगा। तुम याद रखना किस पे हाथ उठाया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू सड़क छाप औरत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। तुझे पता नहीं कि तूने क्या किया, तुझे भुगतना पड़ेगा। मुझे चाहिए वीरा, किसी भी हाल में मुझे एक लड़की चाहिए, चाहे जो भी कीमत है। तू जहाँ भी रहती है तुझे ढूंढ कर वही मारूंगा, वही मारूंगा, याद रखना। तू वीरा है। अरे भाई, ये तो बच्ची है रे। ये वो जानती है बच्ची है, पर हम नहीं जानते हैं। बेटी, क्या हुआ वेदा भाई? मुझे लगा मेरी बेटी बुला रही है। हाँ, तुम अपनी बेटी से इतना प्यार जो करते हो, तुम्हें तो हमेशा उसकी याद आती ही रहती है। पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। वैसे भी तुम सुबह छूटने ही वाले हो, अब तुम आराम से सो जाओ। हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, पिताजी, छोड़ो मुझे, पिताजी, पिताजी। भाभी, भाभी तुम कहाँ हो? भाभी बाहर आओ। भाभी, कौन है? भाभी देखो कनक, क्या हो गया भाभी? देखो ना भाभी, कनक को क्या हो गया है? कनक, क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? भाभी उन चारों ने बर्बाद कर दिया। ये देखो भाभी, ये सब क्या कह रहे हो तुम? तुम कहाँ चले गए थे? उठो, उठो बेटी, उठो बेटी। कौन थे वो लोग? बोलो, वो लोग जो भी थे, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो बस एक बार उनका नाम बता दे। उठ बेटा, उठ, उठ जा। तो बस उनका नाम बता। मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। तो चल मेरे साथ, आ जा। भाभी मत जाओ भाभी। तुम लोग हवस के पुजारी हो। एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। हे पुष्पा, ये तेरी बेटी है क्या? वाह रे वाह, इसे टाइम कहते हैं। उस दिन तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की थी ना? अभी तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटे, अब तेरी लूटेंगे। आजा। ए हराम के पिल्लों, तुम लोगों के अंदर से तुम्हारी माँ का दूध उगलवाऊंगी और पोटी पोटी करके तुमको खिलाऊंगी। बस थोड़ा सब्र कर बेटा, मैं इन हरामियों को खत्म करके इनकी पोटी पोटी करती हूँ। भाग कहाँ रहे हो? इसी हाथ में मेरी बेटी को छुआ ना। कहाँ डालूंगी मैं? छोड़ूंगी नहीं। कैसे तूने मेरी बेटी को छुआ? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मेरी बेटी को। कैसे छोड़ूंगी? नहीं नहीं पुष्पा, पुष्पा मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे पुष्पा। कहाँ भाग के जा रहा है? हाँ रुक। नहीं पुष्पा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तुम जैसे पापियों को अगर छोड़ दिया तो बहुत से लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरे जैसी माँ का दिल तड़पेगा। तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम लोगों की सांसें भी लड़कियों तक नहीं जानी चाहिए। तुम लोगों के खून से मैं अपनी बेटी को नहलाऊंगी रे। हे भगवान, ये क्या कर दिया? इसको मार दिया। ए वीरा, नंजप्पा, गिरी, हमने बहुत बड़ी गलती की है। बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके और इसकी माँ को भी हमने खत्म कर दिया। अब क्या होगा? ये क्या होगा? अगर किसी को पता चल गया तो हमारा क्या होगा यार? ए वीरा, ये बच्ची अभी तक मरी नहीं है, जिंदा है। हे पुष्पा, हे पुष्पा, चुप चुप। किसी को पता नहीं चलना चाहिए किसे हमने मारा है। ए वीरा, यकीन नहीं होता तूने अपनी ही भांजी का कत्ल कर दिया। साहब जी, आप मुझे बचा लो साहब जी। देखो मना मत करना साहब जी। साहब जी, एक और गलती हो गई हम लोगों से। हम तुम्हें पैसे भी ज्यादा देंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम लोगों ने। पैसे भी ज्यादा देंगे ना? ऐसा क्या, तो जल्दी ही ये केस खत्म करता हूँ। वेदा, मेरी बेटी कहाँ है? कनक। योर ऑनर, ये कोई प्री प्लान मर्डर नहीं है। ये अचानक हुआ एक वाकया है जिसे सबने देखा, और इस वाकये की सच्चाई को बताने के लिए हमारे पास इस कोर्ट में ये गवाह भी मौजूद है। तो चलो उस रात की सारी कहानी जज साहब के सामने सच सच बताओ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। पुष्पा और मैं दोनों एक ही गांव के हैं। बहुत समय से हम दोनों का चक्कर चल रहा था, और उसकी शादी होने के बाद मुझे पता लगा कि वेदा एक नंबर का गुंडा है, तो मैंने डर के मारे उससे बात करना बंद कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। थोड़ा सब्र रखिए, उसे पूरा सच तो बोलने दीजिए। ऑब्जेक्शन ओवररूल। अपनी बात पूरी करो। कल पुष्पा ने मुझे अपने घर पे बुलाया था क्योंकि उसका पति जेल में था। तो हम दोनों जब साथ साथ थे उस वक्त इस बच्ची ने हम दोनों को देख लिया था। हमने इसे बहुत मनाया कि ये किसी से ना कहे, तो ये बार बार एक ही बात करने लगी, पिताजी को बता दूंगी। उसके बाद पुष्पा ने चूल्हे के ऊपर सलिया गर्म करना शुरू किया उसे डराने के लिए, ताकि वो अपना मुंह ना खोले। तभी इस बच्ची ने कोयता हाथ में उठा के पुष्पा की गर्दन पे जोर से वार किया। वो वार इतना तेज था कि पुष्पा सहन नहीं कर पाई और वो लड़खड़ाते हुए उस चूल्हे पे गिर के जल गई। इससे पहले कि मैं पुष्पा को आग से बचा पाता, उसकी बेटी के तेज वार से ही उसकी जान चली गई थी। इस बच्ची की भी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी कोई गलती है। मैडम जी, आप मुझे उस वेदा से बचा लीजिए। मैडम जी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इस केस को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। उस दिन कुछ और ही हुआ था। पुष्पा का बेरहमी से कत्ल करके इस बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया। इस छोटी सी बच्ची का क्या कोई बलात्कार कर सकता है मैडम? बीरा और उसके दोस्तों ने किया था। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर रुद्रा भी यहाँ हैं। आप इनसे पूछ सकती हैं। ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है। मैंने पर्सनली इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है। सर पर गहरी चोट और ज्यादा खून बह जाने से उसकी वहीं मौत हो गई। योर ऑनर, इस केस की सच्चाई जानने के लिए बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा। बिल्कुल कीजिए, इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। मुजरिम को सजा मिलनी ही चाहिए मैडम। अपनी ही माँ का कत्ल करना, बच्ची कितने गुस्से से भरी होगी, ना जाने इसने कितने दुख सहे होंगे। पुष्पा जैसी बुरी माँ हो और वेदा जैसा गैर जिम्मेदार बाप, तो किसी भी बच्चे की जिंदगी नर्क बन जाएगी। योर ऑनर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस केस के खत्म होने तक इस बच्ची को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, तो मुझे लगता है कि इससे बच्ची की सुरक्षा भी होगी। दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें सुनने के बाद कनक के साथ बलात्कार हुआ या नहीं ये साबित करने के लिए कोर्ट पुलिस की देखरेख में जल्दी से जांच करने की सख्त हिदायत देती है और अगली सुनवाई तक कनक को बाल गृह में रखने की हिदायत देती है। साथ ही इस केस की सुनवाई से पहले सारे एविडेंस इकट्ठा करने की पुलिस को हिदायत देती है। The court is adjourned. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि कनक के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है, बल्कि सारे सबूत यही कह रहे हैं कि इस छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ पुष्पा का खून किया है। इसीलिए बालिग होने तक कनक को बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। The court is adjourned. इसके पिता ने कोर्ट के सामने बहुत ही हंगामा किया और पुलिस को भी चाकू मारा। वो एक नंबर का गुंडा है सच में। ऐसा हुआ था क्या? 10 साल पहले हुई कहानी को वापस याद करके इधर उधर जवान लड़की को लेकर बदला लेना चाहते हो? कैसे पिता हो? अरे तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, किसी बेवकूफ लड़के से इसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी निभाओ। रात में खाई थाली को धोकर उसी थाली में खाते हैं ना, ऐसा ही समझ लो। अरे वासना का हिसाब नहीं होता। मेरी बात सुनो, और 10-20 सालों में ये दुनिया और ज्यादा बिगड़ जाएगी। और तुम मेरी बात सुनो, हर दिन हर घंटा हर मिनट किसी न किसी लड़की का बलात्कार होता रहेगा। अब हर लड़की हथियार लेकर सबको मारूंगी मारूंगी बोलकर खड़ी तो नहीं हो सकती ना, इसलिए औरतों को समझौता करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अब और क्या बोलूं? कनक, ये जो औरत है ये कुल की कलंक है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे छोड़ना मत, इस औरत को मार डालो। ठीक है पिताजी। तुम मुझे मार डालोगी? लड़की के मर्जी के बिना अगर उसे किसी ने भी हाथ लगाया तो उसका भी मैं यही हाल करूंगी, काट दूंगी उसे भी मैं। अगर किसी ने तुम्हारी बहन को छुआ तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन तुम लोग वही काम हमारे साथ करते हो। आज उन लोगों को खत्म करके ही रहूंगी। भारत खंडे भारत वर्षता है वेदा, सारे जो ही बच के रहना आ गया है अब तो वेदा। दुष्ट वंश शत्रु वंश शिक्षा देगा अब तो वेदा, बच के रहना। लाडली प्यारी बेटी लाडली नन्ही परी लाडली नन्ही परी लाडली। भूल हो गई थी, मुझे माफ कर दे वेदा। तुझे माफ कर दूं? बेटी जब पैदा होती है तो बाप उसे सीने से लगाकर प्यार से अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, और ऐसी बेटी के साथ तुम जैसे नीच लोगों ने जबरदस्ती किया और कहते हो कि माफ कर दूं? बलात्कार करने पर 5 या 10 साल की सजा होगी, उसके बाद तुम लोग वापस बाहर आ जाओगे। उस लड़की का क्या, उसके परिवार का क्या, जिनकी कोई गलती नहीं उन्हें नर्क भोगना पड़ता है, और कहते हो कि माफ कर दूं? जो लड़की बस खुशी खुशी जीना चाहती है तुम उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हो और कहते हो कि माफ कर दूं? लड़की होना अभिशाप है क्या, गुनाह है? जिंदगी भर नफरत होती है मर्दों से और कहते हो माफ कर दूं? तुम जैसे घटिया लोग औरतों को कुछ नहीं समझते, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर जाते हो। सिर्फ बलात्कारी ही नहीं, अगर लड़की को बुरी नजर से देखे भी तो ऐसे आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। वेदा, मैंने तुम्हें अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया ये जानते हो? लॉयर गिरजा जब मुझसे मिलने आई थी तब मुझे सच्चाई का पता चला। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हें अरेस्ट करके जेल में डालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने एक लड़की की तरह सोचा। मेरी आत्मा नहीं मानी इसलिए तुम्हारी बेटी को उन्हें मारने दिया और मैं इंतज़ार करती रही। ये सब होने के बाद तो तुम जैसे पत्थर दिल इंसान को खुश होना चाहिए, अब तो तुम्हें भी अपने इस पत्थर दिल को पिघला कर अपनी आँखों में आंसू लाना चाहिए कनक। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम लोगों को अभी भी सच्चाई नहीं मालूम। उसे लेकर आओ। ठीक है मैडम। क्या हुआ था परी, बोलो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना मैं तुझे देख लूंगा। तुम याद रखना किस पे हाथ उठाया है। मुझे लगा था ये पागल कुत्ते मेरे पीछे आएंगे, तो मैं वहीं पर गन्ने के खेत में छुप गई। काफी देर तक इंतजार किया लेकिन वो लोग नहीं आए। जब मैं खेत से बाहर आई तो देखा कि अरे राक्षस कड़ीके, मैं नहीं मिली तो बच्ची के साथ। वेदा, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। जाओ उसे लेकर आओ। हाँ। तुम्हारे साथ रहकर धोखा दिया इस धोखेबाज ने। परी जब जब तुम्हारे पास आने की कोशिश की तब तब ये रोकता रहा। इसने इसे मारने की कोशिश की पर ये कामयाब नहीं हुआ। तुम दोनों जिंदा रहो, परी के जरिए सच्चाई जाहिर हो जाती। इसने तुम्हारे बारे में बीरा को पहले से बता दिया ताकि वो तुम्हें मार सके। चल अब जल्दी बोल। रुको रुको, क्या कर रहे तुम लोग? अरे पागल कुत्ता, तुम लोगों ने छोटी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। कनक कनक, अरे अरे कनक को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। कनक कनक उठो, कनक उठो। जब उस दिन मैंने इन दोनों को देखा तब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि इंसानियत फर्ज से बड़ी होती है। 8 साल की कनक ने अपनी माँ को तड़प कर मरते देखा, फिर अपने बाप से बिछड़ गई और बिना जुर्म के सजा भी भुगती। उसका पूरा बचपन जेल में बीता। वो डरी नहीं, बल्कि छूटने के बाद उसने किसी को भी नहीं बख्शा। मिलेंगे बोलो।